फारूक भाई की तरफ से माल आ गया था, जी आ गया था संभाल के रखवा दिया था गोदाम में। जी जी गिन के रखा है। शाबाश। ये रात को बर्गर तुम लाए थे? और कोई था घर पे? तो इसे खाने के बाद डब्बा कौन उठाएगा, वहीं फेंक देते हो? एक डब्बा उठाने में क्या जाता है किरण? कुछ नहीं जाता, लेकिन इसमें पड़े जो सड़े हुए बर्गर की बू आती है उसका देखें। अरे, दूर कर इसे, तब दिमाग खराब कर दिया। रोज रोज क्यों अल्लग मुगल्लम खाते हो बेटा? जब घर में खाना नहीं पकेगा तो बाहर से ही लाऊंगा ना, अब भूखा तो नहीं सो सकता। खाना रख के नहीं गई थी क्या? वो मैं जब से सितारा गई है तब से खाना नहीं मिल रहा। आप रात की बात कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, ये कैसे आपने ऐसे सगी औलादों। चुप चुप कर जाओ। ये क्या सुबह सुबह तुम झाड़ू लेकर नाजिल हो गई हो? पहले देखो भाई की चाय में बलाई है कि नहीं। मलाई दूर की बात है, आप खाना ही देते हैं वो ही बहुत है मेरे लिए। सही कहते हैं सियाने, पराई औरत का जितना भी कर लो। अपनी थोड़ी होती है कभी। खड़ी हो, जाओ जाकर काम खत्म करो, जाओ ना। खाने का ख्याल रखा करो शायदा। बेटा जमाल साहब की तरफ से भी माल आएगा, उसे भी इसी तरह संभाल के रखवा दूंगा। सलाम अलैकुम नानी। वालेकुम सलाम। मैं भेजती हूँ सितारा को। क्या गुस्से से क्यों देख रहे हैं? अच्छा, तुम्हें परवाह है मेरे गुस्से की? नहीं, अपना ख्याल जरूर है मुझे। अच्छा वाकई? उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तुम सलोन की बजाय सबा के घर चली गई, और वो भी अकेले? वो तो मैं बस सबा को मनाने गई थी, माफी मांगने गई थी उससे। क्यों भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सबा के घर जाओ माफी मांगने के लिए। वो आपका मसला नहीं है। You know what, तुम एक काम करो, मुझसे बदला लेने के लिए ना तुम पूरे शहर से माफी मांग लो, इंसल्ट करवा दो मेरी हर जगह। किसी को मनाने से कोई इंसल्ट नहीं होती भाई, वो मेरी बहन है, मैं देख लेता कि मुझे क्या करना है। मेरी वजह से घर नहीं आ रही। हाँ तो ये उसका मसला था ना सितारा। आपके फादर है ना, इसलिए आपको इस चीज का एहसास नहीं होगा कभी भी कि बाप या बाप के घर ना आने का दुख क्या होता है। और मुझे एहसास है कि किसी और की वजह से अपना घर छोड़ जाने का क्या दुख होता है। नियाना की वजह से किसी और को हर्ट नहीं कर सकती थी मैं। जिस तरह से आधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है। टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है। हो अगर भरे भी दुनिया चैन कम ही पाती। बैग लेकर आती हूँ। साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी। यूँ जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ।
वैसे आप मिर्जा साहब फंस जाएंगे। हाँ फंस तो जाएंगे, लेकिन उनकी बेटी को पहले सोचना चाहिए था ना। वैसे जहरा को इस थप्पड़ की तवक्को नहीं थी। तवक्को तो मुझे भी नहीं थी। फिर अब क्या सोचा? यार एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ पे सब लोगों के रवैये जानने के बावजूद उस लड़की ने जिस तरीके से इस फैमिली को ओन किया है, I don't understand that. एक बात तो माननी पड़ेगी, लड़की बहुत कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है। उसके अलावा और क्या? जो मैच्योरिटी मैं अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता था ना, वो इसमें लड़की समझदार है। ये मिर्जा को भिजवा दो। ठीक। मुझे लगा था कि तुम दोबारा नहीं आओगी। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। चलो ऑन दैट नोट कॉफी पिलवा दो हमें। ओ सितारा, इससे कहो कि आज ये कॉफी बनाकर हमें पिलाए। जब से हैदराबाद से आया ना, रोज हमें कॉफी बनाने के तरीके सिखाता रहता है। आज ये बताएगा कि कॉफी कैसे फेंटी जाती है और कैसे बनाई जाती है। सबा, तुम कॉफी नहीं बनाओगी ना? नहीं बनाओगी ना? मैं बना के लेकर। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? मैं आ रही हूँ। अरे मैंने कब बोला मैं नहीं बना रही? बना रही हूँ। और बताएं सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है। नहीं मेरा मतलब था कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, अलबत्ता इनकी परेशानी आपने देख ही ली है। इसे कैसी परेशानी? मेरी गुर्बत, इनका ऐप जो बन गई है। हर कोई ताने देता है। सितारा ऐसा नहीं है। देखिए इस तरह स्टैंड लेने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है। लड़कियां कर नहीं पाती अपने ससुराल के लिए। हाँ लेकिन आपकी बीवी तो करती है ना। आपके लिए सिर्फ स्टैंड ही नहीं लेती बल्कि आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। एक औरत मर्द को प्रोटेक्ट करे। जबकि औरत की हिफाजत के लिए, औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए मर्द को बनाया गया है। मुझे लगता है अगर एक औरत मर्द को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो अपनी हिफाजत भी उसे खुद ही करनी चाहिए। मर्द क्यों बिला वजह उसकी प्रोटेक्शन करे? नहीं सितारा ऐसा नहीं है। औरत को सिर्फ अपने ख्यालात की हिफाजत करनी चाहिए कि कहीं वो ना भटक जाए। बाकी मुआशरती सतह पर मर्द को बनाया गया औरत की हिफाजत के लिए। कैसे? सालार आपकी हिफाजत करता है, इसे मर्द के ना को तस्कीन मिलती है। हाँ भाई जरा मुझे भी बताओ कि किस चीज से अना को तस्कीन मिलती है। अरे नहीं भाई, ऐसे ही जनरली डिस्कस कर रहे थे कि अगर बीवी कम हैसियत हो ना तो अपने शौहर की रिस्पेक्ट भी करती है और उसे प्यार भी करती है। अच्छा तो मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती हूँ? अरे आपकी तो बात ही कुछ और है जनाब। आप इज्जत क्या, आप तो प्रोटेक्ट करती हैं मुझे।
क्या बात है भाई, लो ये दो। ये क्या है पेंटो? मैं नहीं तो क्या नौकर रखवा दो तुम्हारे लिए? हम ऐसे होने तो चाहिए, इतने बड़े घर की शादी है, 400-500 रख ही लेते। क्या भाई मुलाजिम और क्या, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और मिस्टर के ख्वाब तो सुनो नौकर रखने के। हाँ तुम जो हो ना, ये लो इसको भी फेंट पकड़ो। एक बात बताओ, तुम हमेशा से ऐसी हो? कैसी? ओ भाई थोड़ी देर पहले तो मार्केट की वजह से अपसेट थी और अब देखो तुम्हारा मूड बिल्कुल चेंज। हाँ किसी बात पे रोक लगा के तो नहीं बैठ सकती ना। देखो अगर इतनी सी बात थी तो रोना किस बात पे था, ये जरा बता। हाथ क्यों रोका पेंटो? हाँ कर रहा हूँ। ये देखो मैं पहले ही कहता था कि ताहिर सिकंदर के साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्या हुआ? होना क्या था, वही जो सलार की बीवी ने कहा था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, अब उसके मुताबिक हम 6 महीने किसी भी कंपनी को मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकते। सप्लाई नहीं करेंगे तो मटेरियल का क्या करेंगे? ये बात पार्टनरशिप साइन करने से पहले सोचनी चाहिए थी। सोचनी तो होश खोने से पहले भी चाहिए थी, लेकिन मेरी बात समझता कौन है यहाँ? अब क्या होगा? होना क्या है, जैसे कल थप्पड़ खाया वैसे ये नुकसान भी उठा ले। हम तो बस यूं ही उस लड़की को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उसकी एक ही मूव ने ससुराल के दिल में भी जगह बना ली और उनके घर में भी। कर सकती हूँ, बताओ क्या देखना चाहती हो तुम? और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो बोलो, कौन हो तुम? आसमान से आई हो? मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं चाहूँ ना तो खत्म, आज से ये पार्टनरशिप खत्म। जाओ अब यहाँ से। मैं उसे ना दिल में जगह बनाने दूंगी और ना ही बिजनेस में। आप मुझे तंग क्यों कर रही हैं? तंग तो तुम कर रही हो। नौशरवा साईं को वारिस देने की सोच रही हो? तो छलन होना तो बनता है ना मेरा। मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा था। और किसे पता होगा? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। ये बकवास करेगा फिर वो तुम्हारे सामने। मुझे नहीं पता आंटी वहां मैंने वो सब क्या कह दिया। मुझे तो लगता है कि मेरी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिलाए हुए थे।
आपने मेरी मदर के साथ बहुत बदतमीजी की थी। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि सितारा ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्यों? गलत किया था कुछ? सितारा, मैं नहीं जानती कि मैंने आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या कह दिया, लेकिन प्लीज आप सब भूल जाएं। मैं तो भूल जाऊंगी, लेकिन लोग नहीं भूलेंगे ना। तो मैं क्या करूं? मैं इसलिए यहां माजरती तो करने आई हूं। आपको आना भी चाहिए था, बल्कि सबसे पहले आपको जाके नानी से माफी मांगनी चाहिए थी। तुम क्या अपनी फैमिली के साथ भी इसी तरह रूडली बात करती हो? अपने घर पे मैं सलार की वाइफ और ताहिर सिकंदर की बहू नहीं होती थी। तुम क्या चाहती हो कि मैं अब हाथ जोड़ के माफी मांगूं? बिल्कुल। इसके अलावा कोई और हल है? अब तुम ज्यादती कर रही हो। क्या करूं? सालार सिकंदर की वाइफ हूं। माफी से कम पर माफ कर देना तो मेरे साथ भी ज्यादती होगी ना। फिर ओके। I'm sorry. Please, सितारा, मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रही है? मत करें ऐसा। अरे बस हो गई माफी, ये हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है आंटी। इसलिए तो मैंने हाथ जोड़े हैं। क्यों सितारा? बिल्कुल। चलें, अब आपने हाथ जोड़ ही लिए तो मैं माफ कर देती हूँ आपको। चलो, आपने अब मुझे माफ कर ही दिया तो दोस्ती कर लेते हैं। नहीं, अभी मैं आपको सही तरह से जानती नहीं हूँ तो दोस्ती हो नहीं सकती हमारे बीच। फिर तो हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें। जी जी जरूर।
क्यों नहीं, जब आप कहें। चले मैं आती हूँ अभी। हर चैनल हर न्यूज़पेपर पे खबर है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा दिस इज नॉट राइट। ये बकवास है। तो वो लोग कौन थे? घर वाले थे मेरे। और आप कौन है? मैं आपके मंगेतर की बीवी हूँ। आपको लगा तो नहीं? आपको ये लीजिए पानी पीजिए। नहीं जुहेब, जुहेब कहाँ है? फोन इस वक्त तो लड़कियां होती है ना यहाँ पे। आप कौन है? हाँ इस टाइम पे तो लड़कियां होती हैं, लेकिन ऊपर फोर्थ फ्लोर पे। आप कहें तो मैं आपको ऊपर छोड़कर आ जाता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी, मेरे तो पाँव ही नहीं हिल रहा, मैं ऊपर तक कैसे जाऊंगी? आप एक काम कर सकते हैं, मेरे भाई को फोन करेंगे, मैं अपना फोन भूल गई। श्योर, मुझे नंबर बता दीजिएगा। वो तो फोन में है ना, मुझे नहीं याद। आपको अपना नंबर याद है? हाँ अपना याद है, लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। कोई बात नहीं, आप नंबर डायल कीजिए, फोन घर पे बजेगा, कोई ना कोई तो उठाएगा। लीजिए। उठा नहीं रहा। सो डोंट माइंड, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। आप ड्रॉप करेंगे? हाँ क्यों नहीं।
क्या है ये? कपड़े हैं। दिख रहा है वो मुझे, किसके लिए है? तुम्हारे लिए और किसके लिए, मैंने सोचा कि तुम्हें सारी शॉपिंग दिखा दूंगा। इन चीजों की आदत नहीं है मुझे, अपने पास रखे हैं। अच्छा क्या पहनोगी? कुछ भी पहन लूंगी। क्या वो दुल्हन वाला लहंगा जो तुम अभी नानी के घर छोड़कर आई हो? और भी हैं कपड़े मेरे पास। क्या है तुम्हारे पास? वो बारात वाला ड्रेस जो तुम सलोन पहनकर गई थी और वहीं छोड़ आई? मेरी बात सुने, मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूं। आप अपने काम। ओके फाइन, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। और वैसे भी मैं बहस करने के मूड में नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी खुशी उसकी मोहब्बत की मोहताज क्यों है आखिर? नहीं होनी चाहिए नानी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इंसान को मुतमईन और खुश होना चाहिए अपने आप से मोहब्बत करके, बस वो काफी होता है। हमें खुश रहने के लिए किसी की मोहब्बत या किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना बेटा। खुद से मोहब्बत कैसे करते हैं नानी? बेटा खुद से जंग लड़ना बंद कर दो, खुद से मोहब्बत हो जाएगी। लगता है मैं खुद से लड़ती हूँ? हाँ, दूसरों पर गुस्सा करना भी दरअसल अपने आप से जंग की अलामत होती है। बस बेटा माफ कर दो ना खुद को, अपने आप पर किस बात का गुस्सा? हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। चोट भी तो मेरी वजह से ही लगी थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, and I'm really sorry, मैं थोड़ा डर गई थी। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे genuinely आपके चोट लगने का बहुत अफसोस है। बस रहने दें, मेरी तो किस्मत में ये लिखा है। क्या लिखा है? मेरे साथ आना। चलो लेट मी हेल्प यू आउट। चल क्या रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में कुछ नहीं, क्यों क्या हुआ है? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे मैं आपको जानती नहीं। क्या मतलब आंटी, आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं सितारा नहीं हूं साहिबा, जो आपके अपॉलोजी के ट्रैप में आके आपको गले से लगा लो। आंटी कैसी बातें कर रही हैं, मैं वाकई में शर्मिंदा हूं। इसीलिए तो मैंने सॉरी किया है। अगर आप वाकई शर्मिंदा होती ना तो पहले मेरी अम्मी के घर जाके माफी मांगती उनसे। फिर यहाँ आके सॉरी बनता है।
तो शायद शायद मैं मान भी जाती, लेकिन हाथ जोड़कर उसे डाइजेस्ट तो क्या सोलो भी नहीं हो रहा है। प्लीज स्टॉप प्रिटेंडिंग। डरे मत, खुल के बात करें। ओके फाइन, कर रही हूं मैं ड्रामा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी तो ड्रामा ही कर रहे हैं ना उसे एक्सेप्ट करने का। हम तो वाकई उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आप ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि मैं आपको नहीं जानती। वैसे भी ये हमारे घर का प्रॉब्लम है, आपको इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप मान रहे हैं कि वाकई में प्रॉब्लम है? डरे मत, लेट्स जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग एज इफ एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स जस्ट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, शैल वी? करना क्या चाहती हैं आप? ज्यादा कुछ नहीं, बस फिलहाल उससे दोस्ती करके ट्रस्ट अर्न करना है और फिर शायद तोड़ना है। बहुत पक्की है वो। भरोसा टूटने से भी कहीं नहीं जाएगी। आंटी सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ना, उसको तोड़ना है। उसका रिश्ता तोड़ना है, फिर तो जाएगी ना। बस आप मेरा साथ दें, देखना कैसे आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम निकाल दूंगी। सितारा की कमजोरी सितारा से दोस्ती करके नहीं मिलेगी। तो आप बता दें कैसे मिलेगी? सलमान, सलमान की वो मंगेतर थी। सालार ने बंगली तोड़कर उससे शादी की। लेकिन नुमैरा तो खुद सालार से मोहब्बत करती है, तो फिर ये सब कैसे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहती। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। तो आप जाने, जितना मैं जानती थी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन आप उसे मुझसे क्लोज करने में मदद करेंगी। और फिर सलमान का नंबर।